सीएनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टी कोड इनसेप। दोस्तों, बेसिकली टी कोड होते क्या हैं, टी कोड को हम ट्रांजैक्शन कोड बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आप थोड़ा टी कोड की एक लिस्ट देख लोगे तो आप नहीं समझ पाओगे। हम आपको बताएंगे कि इसको फेवरेट में कैसे ऐड करते हैं, नए टैब में कैसे ओपन करते हैं। हम आपको इस वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन करने वाले हैं टी कोड्स के बारे में। आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको आने वाली जो सैफ की वीडियोज़ हैं टी कोड्स के ऊपर, उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सैप में इस टाइप से, जैसे ही आप सैप में जाएंगे तो इस टाइप से आपको यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये यूज़र नेम, यहाँ पे आपको यूज़र नेम फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। इसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट एंटर से भी इसके अंदर एंटर हो सकते हैं सैप के अंदर, और यहाँ पे जो एक टिक दिख रहा है ग्रीन कलर का, आप इस पर क्लिक करके भी एंटर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपका इस टाइप से यूज़र मेन्यू आएगा। यूज़र मेन्यू के अंदर यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी बहुत सारे टी कोड्स की। जैसे ये जो है, ये दोस्तों इन जो ये कोड है, इन सब कोड्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टी कोड्स बोलते हैं। जैसे ME5A परचेज रिक्वेशन लिस्ट डिस्प्ले, तो ये क्या करता है, जो भी हमने परचेज को PR डाली है, ये उन सब की लिस्ट को शो करता है ये कोड। जैसे ही हम इस कोड के अंदर जाएंगे और हम फर्दर काम करेंगे, तो दोस्तों इनकी जो एप्लीकेशन है, जैसे ME51N है, ये क्रिएट परचेज रिक्वेशन के लिए होता है कि आपको कोई भी चीज़ मंगवानी है, आप परचेज में इसकी रिक्वेस्ट डालते हैं, तो ये उसके लिए ऑप्शन होता है। दोस्तों, ये आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इन सब को नोट कर लीजिए। ये सब ये हमारे टी कोड्स होते हैं। बेसिकली इन टी कोड्स के ऊपर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी टी कोड्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ इसके बाद ये टी कोड्स के बाद यहाँ पे ये कर्सर, जो ये साइड में कर्सर दे रखा है, इस कर्सर को दबा के आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें लिस्ट ये बहुत बड़ी है। जैसे ये है इस लिस्ट में ये कोड्स हैं हमारे। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाले कोड्स, ये सब दोस्तों जितने भी हैं, कर्सर को नीचे ले जाते रहेंगे और देखते रहेंगे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे टी कोड्स हैं। बेसिकली इनका टी कोड्स शॉर्ट फॉर्म होती है, और फुल एक्सप्लेनेशन होती है इसकी, कि इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। ट्रांजैक्शन के मतलब ये हमारे जो भी हमें एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। हर एक टी कोड्स का जैसे अलग अलग काम होता है। जैसे ये है MB22 पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ये चेंज रिजर्वेशन के लिए होता है कि आपको अपने जो इशू स्लिप बनाई है स्टोर से मेटल इशू करवाने के लिए, उसमें आपको कुछ भी चेंज करवाना है तो किस टाइप से करवाते हैं। जितने भी ये दोस्तों सैप कोड है, उसके बाद फिर ये साइड में कर्सर को प्रेस करेंगे, ये नेक्स्ट पेज फिर है इनका, ये टी कोड का। आप एक एक पेज को, अगर आपके पास आपके सैप में इस टाइप से टी कोड नहीं निकलते हैं, तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इन सारे टी कोड्स को नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। इनमें से बहुत सारे टी कोड्स ऐसे रहेंगे जो आपके काम के रहेंगे, जिनके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि इनमें से मैक्सिमम टी कोड्स के ऊपर हम अपने इन फ्यूचर्स वीडियो लेके आएँ। आपको एक एक टी कोड्स के ऊपर हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि इस टी कोड के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फंक्शंस हैं, हम आपको पूरी डिटेल देंगे। अगर आप सैप की पूरी नॉलेज चाहते हैं, इसके बाद फिर दोस्तों फिर ये, अगर आप चाहते हैं कि आप सैप में पूरी तरह से एक्सपर्ट बने, तो आप हमारी वीडियो के साथ हमेशा बने रहें। और हमारी जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है सैप ट्रेनिंग की, तो आप ये सैप ट्रेनिंग की जो हमारी जो लिस्ट है, प्लेलिस्ट, इसमें जाके भी आप इसको देख सकते हैं। ये है MM60, ये भी मटेरियल लिस्ट के लिए यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कमांड को। MMB, ये भी जनरल यूज में यूज होती है कमांड।
इस टाइप से। ये दोस्तों ये ZMM60 ये भी बहुत जेड सेल ये भी बहुत ज़्यादा यूज होती है दोस्तों। उसके बाद फिर हम डाउन करके इसको और चेक करेंगे, ये बहुत ज़्यादा कमांड्स है दोस्तों, मोर देन 200 है ये टी कोड्स। ये यहाँ तक हमारे आते हैं ये टी कोड्स। अब इन टी कोड्स में दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि इन टी कोड्स में से अगर किसी भी टी कोड को, ये मैंने कुछ टी कोड्स है जो दोस्तों जो मैंने फेवरेट में ऐड कर रखे हैं, आप देखेंगे कि इन सब के सामने यहाँ पे स्टार का मार्ग आ रखा है, स्टार 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 स्टार। ये जो टी कोड्स है दोस्तों ये वो होते हैं कि जैसे कि इतने टी कोड्स में से मोर देन 200 मैं कितने यूज करता हूँ या आप कितने यूज करते हैं, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने टी कोड्स हैं, आपको वो टी कोड्स को फेवरेट के अंदर ऐड कर लेना है ताकि आपको वो जैसे ही आप डेस्कटॉप स्क्रीन खोलो सबसे पहले वो आपको वही टी कोड्स दिखे। आप देखेंगे जो फेवरेट में उसके आगे स्टार है और जो नॉर्मल यूजर मेन्यू के अंदर थे उसके अंदर कहीं पर कोई स्टार नहीं था। अब ये फेवरेट्स में ऐड कैसे करते हैं दोस्तों, वो देखने वाली बात है। फेवरेट्स में ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे कि ये ME51N है, मेरे को ये फेवरेट्स में ऐड करना है, क्रिएट इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करते ही ये ऑप्शन खुलेंगे, ये ऑप्शन खुलते ही जो मेरे को ये वाला है ऐड टू फेवरेट इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा लेफ़्ट क्लिक, तो वैसे ये मेरा यहाँ पे फेवरेट में क्लिक हो जाएगा। ये यूज़र मेन्यू में तो रहेगा सेम दोस्तों, यूज़र मेन्यू से तो ये कभी डिलीट होंगे नहीं, यूज़र मेन्यू में ये हमेशा रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ से शॉर्टकट मिल जाएगा, इसको यहाँ पे फेवरेट के अंदर ऐड कर लिया। अब जैसे इसके अंदर मैं यहाँ पे एक दो और ऐड कर लिया, मैंने ME52N ले लिया, ME53N ले लिया, ये सब ऐड कर लिया। अगर आपको डिलीट करना है, आप चाहते हैं कि आपका जो फेवरेट के लिस्ट है बहुत ज़्यादा होगी और कुछ टी कोड्स ऐसे हैं जिनको आप यूज ही नहीं कर रहे हैं कभी, तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं इस लिस्ट में से। आप वही करेंगे, राइट क्लिक दबाएंगे किसी भी कोड पे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं और यहाँ से ये ऑप्शन आएंगे, इसमें डिलीट फेवरेट पर क्लिक कर देंगे। डिलीट फेवरेट पर क्लिक करते ही दोस्तों ये आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये नीचे लिखा भी आएगा नो डिलीटेड फ्रॉम फेवरेट लिस्ट, वो जो आपके फेवरेट लिस्ट है उससे वो डिलीट हो चुका है। इस टाइप से दोस्तों आप इसमें से फेवरेट अपना कोई भी फेवरेट का टी कोड इसमें ऐड भी कर सकते हैं जो आप मोस्ट ऑफ टाइम यूज करते हैं, और इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं किसी टी कोड को। अभी आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, आप किसी भी टी कोड पे क्लिक करेंगे उसको आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये आएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एग्जीक्यूट इन न्यू विंडो। अगर आप किसी टी कोड को अलग से एक नई विंडो में खोलना चाहते हैं, एक ये विंडो आपके सामने खुली हुई है, एक आप इसके साथ नई विंडो में खोलना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम में क्या होता है दोस्तों हम अलग अलग विंडोज़ के अंदर अलग अलग टी कोड खोल सकते हैं और अलग अलग पे काम कर सकते हैं, और इसकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि एक ही विंडो में हम एक टाइम में एक ही टी कोड खोल पाएंगे, और अगर हम नई विंडो खोल लेंगे तो उसमें हम एक टाइम में 10-10 टी कोड पे भी काम कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम दोस्तों, दो ऑप्शन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो आपको जो बेसिक है सैप का वो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि वो किस टाइप से काम करता है। इसमें दोस्तों क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करोगे एग्जीक्यूट इन न्यू विंडो, तो ये एक इस टाइप से एक नई विंडो खोल देगी, यहाँ से लेके ये इसने एक नई विंडो खोल दिया यहाँ पे ये वाली। अब दोस्तों ये जो नई विंडो है MM60, इस पे आपको MM60 के अंदर आप एंटर हो चुके हैं ट्रांजेक्शन कोड के अंदर, ये कैसे काम करेगा ये मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के अंदर पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा जो अकेले ZMM_60 पे होगी, जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगा इसका कि इसके अंदर कैसे काम करते हैं हम, ये कैसे काम कर सकता है। उसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन तो हमारे पास ये था कि हमने एक विंडो हमारे पास ओपन है, दूसरी में हमने किसी भी टी कोड को खोल लिया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक और रहता है दोस्तों, यहाँ से ये हमारा इंटरफेस है, यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होता है न्यू GUI विंडो, इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें हम अपने पसंद का कोई भी टी कोड खोल सकते हैं। ये तो थी दोस्तों कि हमने किसी टी कोड को अलग से विंडो में खोला, यहाँ से अगर हम किसी पे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इन टी कोड्स में से मैं किसी पे भी राइट क्लिक करके
इन में से किसी को भी न्यू विंडो में खोल सकते हो। लेकिन कुछ कोड, कोई ऐसा कोड है जो मैं इस विंडो में नहीं है, मेरे को याद है, मैं डायरेक्ट डाल के खोलना चाहता हूँ और मेरे को दो तीन विंडोज़ में लेके जाना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप ये नई विंडो खोलेंगे, ये नई विंडो यहाँ से खोलेंगे और नई विंडो में यहाँ से इस टाइप से ये दो सेम विंडो खुल जाएंगे दोस्तों, कि इसमें आप अलग टी कोड यूज़ कर सकते हो, इसमें आप अलग टी कोड यूज़ कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों, क्योंकि अभी तो आपने फेवरेट में ऐड किए हैं, कुछ लोगों को ये टी कोड याद नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों को काम करते करते ये टी कोड इतने याद हो जाते हैं कि वो यहाँ पे क्लिक नहीं करते, वो डायरेक्ट यहाँ पे सर्च बार में एंटर करते हैं और उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो उस केस में उनको नई विंडो की ज़रूरत पड़ती है, ना कि वो टी कोड पे राइट क्लिक करें और उसमें उससे एंटर हों या उसको नई विंडो में खोलें। वो क्या करते हैं, वो यहाँ से नई विंडो खोलते हैं और उसके अंदर जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी कोड यूज कर रखा है, ZMM60 मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे MMB मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद फिर तीसरी विंडो ओपन होगी, वहाँ पे मैंने MB52 ओपन कर लिया। तो इस टाइप से हम एक टाइम में तीन तीन चार चार विंडोज़ पे काम कर सकते हैं और आसानी से एक दूसरे के साथ में, ये इनका रिलेशंस भी होता है, इंटरलिंक भी होती है, एक टी कोड एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक भी होते हैं, कि हमें एक टी कोड में काम करने के लिए दूसरे टी कोड से कुछ ना कुछ डाटा लेना पड़ता है। तो इस टाइप से हम इसका यूज अलग अलग विंडोज़ में करते हैं। आने वाली वीडियो में आप समझेंगे कि किस टाइप से हम इन डिफरेंट डिफरेंट टी कोड्स पे कैसे काम करते हैं। हम पूरी सीरीज लेके आएंगे सैप की, जो आज तक यूट्यूब पर नहीं है, जो बेसिक जानकारी यूट्यूब पे नहीं है, हम वो सारी की सारी हमारे चैनल पे इस पर अपलोड करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप अभी तक बने हुए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।